सकता है। बहुत लंबा इंतजार प्रदेश में हो चुका है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उपचुनाव के बाद दो मंत्री पद भरे जा सकते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद एक मंत्री पद खाली हुआ और एक पूर्व से ही खाली है, तो एक मंत्री पद सरकार बनने के बाद से खाली है। निगम मंडलों में भी अब तक नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव तक का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही आगे की तमाम जो पद है वो भरे जाएंगे, चाहे वो मंत्री पद की बात की जाए या वो निगम मंडलों की बात की जाए। हालांकि पूर्व में मुख्यमंत्री के लंबे दौरे हुए दिल्ली के और ये माना जाता रहा कि शायद अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अभी भी थोड़ा इंतजार और बाकी है। सीधे रुक करते रायपुर का शिखर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शिखर, इंतजार तो बहुत बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। पूर्व में जब मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज नहीं तो कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अब बात उपचुनाव तक पहुंच गई है और क्या ये माना जाए कि उपचुनाव के बाद ही मंत्री पद भी भरे जाएंगे और उसके बाद ही निगम मंडलों में भी नियुक्ति होगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में दो मंत्री पद खाली हैं और दोनों मंत्री पद को भरे जाने को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर गए थे तो उस दौरान भी चर्चाएं लगातार देखने को मिल रही थी। जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी तो कई नाम जो है रेस में निकल कर सामने आ रहे थे, लेकिन उन चर्चाओं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक कोई बड़ी सुगबुगाहट छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आई है। प्रदेश में दो मंत्री पद खाली है, एक मंत्री पद सरकार बनने के बाद से खाली है, जबकि दूसरा मंत्री पद ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इन मंत्री पद को जो है भर लिया जाएगा, लेकिन ये अब चर्चा की जा रही है कि रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होना है और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के बाद मंत्री पद तय किए जा सकते हैं। समीकरण अलग बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रायपुर दक्षिण में अगर कोई बड़ा चेहरा उतरता है तो उसकी दावेदारी बढ़ जाएगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि रायपुर दक्षिण के नतीजों का इंतजार किया जाएगा और नतीजों के इंतजार के बाद मंत्री पद भरे जा सकते हैं। और ये कहा, इस बात का भी जिक्र है कि प्रदेश के जो दो मंत्री पद हैं वो दोनों मंत्री पद जल्द भरे जा सकते हैं और उपचुनाव के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति की अगर बात की जाए तो उपचुनाव करीब दिसंबर के आसपास होना है और ऐसे में एक लंबा वक्त जो है मंत्री पद विस्तार को लेकर इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए शिखर। तो लंबा इंतजार फिलहाल करना होगा उन लोगों को जो टकटकी लगाकर